साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 327 नंबर के क्वेश्चन से, नहीं 326 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ेंगे आज। तो 326 नंबर के प्रश्न से इस वीडियो में आज हम देख रहे हैं, श्रवाकाचार किसकी रचना है। जो श्रवाकाचार रचना है वो देवसेन की रचना है, और ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था और इसका आंसर मुझे मिला भी है। आप पढ़ रहे हो साथियों, अच्छा पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो साथियों। जो भी इस वीडियो को देखे जरूर नोट नोट कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। श्रवाकाचार जो देवसेन की रचना है, श्रवाकाचार में 250 दोहे हैं, श्रावक धर्म का प्रतिपादन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, गोरखबाणी ग्रंथ के संपादक कौन है। गोरखबाणी ग्रंथ जो है उसके संपादक कौन है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल इसके क्या है संपादक रहे हैं। गोरखबाणी जो है गोरखनाथ के 14 ग्रंथों में प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबाणी में किया था। जो गोरखनाथ के जो 14 ग्रंथ थे उनको प्रमाणिक माना और उनका जो संपादन है गोरखबाणी में नाम से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संपादन किया था साथियों। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक थाल मोती से भरा, 328 नंबर का। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। किसकी पंक्ति है। अमीर खुसरो की पंक्ति है साथियों। ये ऐसी पंक्तियां अनेक आप लोगों को मिलेगी अमीर खुसरो की, इस तरह की उन्होंने कही ये बातें, यानी कि कहते हैं कि कहावते हैं ये, एक थाल मोती से भरा, सब के सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। किसकी पंक्ति है। अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अब्दुल रहम हसन है, ये याद रखना साथियों। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन था। क्या नाम था। अबुल हसन, ये बात आपको याद रखनी है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम रहा है वो अबुल हसन रहा है। और सबको पता है कि अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे साथियों। किसके। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनकी रचित जो ग्रंथ है, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल, ये मुख्य ग्रंथ हैं। बाकी और भी हैं इनके, अन्य कवि कवियों की पंक्तियां भी यहाँ दी गई है। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वो धीरे, ये मुख्य पंक्तियां दी गई है। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वो धीरे। किसकी पंक्ति है। विद्यापति की। तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्मा विचार। किसकी पंक्तियां हैं। कबीर की। जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू, यह है जायसी की पंक्ति। तो सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन व धीरे, विद्यापति जी की पंक्ति है। तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार, ये कबीर की पंक्ति है। जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू, ये पंक्ति जायसी जी की रही है। अगला प्रश्न आता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है। अब लोक साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है, 329 नंबर का प्रश्न है। इसमें शास्त्रीयता होती है, जबकि लोक साहित्य में कौन सी शास्त्रीयता आ गई, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा साथियों इसका। ये मौखिक होती है, बिल्कुल राइट है। ये परंपरा में प्रचलित रहता है, बिल्कुल राइट है। इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है, ये तो पता है सबको, लेकिन शास्त्रीयता लोक साहित्य में कहाँ होगी, तो ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। ठीक है, तो लोक साहित्य की विशेषताएं हम लोग यहाँ पर, सॉरी साथियों, लोक साहित्य की विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। लोक साहित्य मौखिक होता है, बिल्कुल। लोक साहित्य में यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर के साधारण जन की भाषा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, लोक साहित्य की विशेषता यहाँ दी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा। स्वयंभू कृत जो पहुम चरिव है, स्वयंभू कृत जो पहुम चरिव की जो कथा है किससे संबद्ध है। अब सबको पता है कि पहुमचर्यु, देखो बार बार ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया, तो पहुमचर्यु में मैंने आपको बता दिया किसकी कथा है, राम कथा इसके अंदर है। तो स्वयंभू के द्वारा रचित है पहुमचर्यु, राम कथा पर आधारित अपभ्रंश महाकाव्य है। पहुमचर्यु में 12,000 पद है। कितने पद हैं इसमें, 12,000 पद है।
जैन मत में राम के लिए पदम शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्म चरित या पहुम चरित कहा। स्वयं को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। अनेक बार इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ढोला मारोरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय या लोकभाषा काव्य रहा है? जो ढोला मारोरा दोहा है वो किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य रहा है? सबको पता है राजस्थान से संबंधित है। ढोला मारोरा दोहा राजस्थान का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य है। ये 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोकभाषा काव्य रहा है। साथियों जो भी इम्पोर्टेंट बात लगे उसे नोट डाउन कीजिएगा। ढोला मारोरा दोहा जो है, आप सबको पता है कि इसमें ढोला और तथा राजकुमार ढोला था और तथा मारवाड़ी मारवाड़ी राजकुमारी थी। इसमें एक प्रेम कथा है ये, ठीक है? तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ढोला मारोरा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जो जयदेव के गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। और इसका प्रभाव किस कवि पर सबसे ज्यादा देखा गया है? वो है विद्यापति। कौन से कवि रहे हैं? विद्यापति। साथियों तो जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। गीत गोविंद पर किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? विद्यापति का प्रभाव। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे जहां तक लगता है, क्योंकि गीत गोविंद सबको पता है किसने लिखी, विद्या जयदेव के द्वारा लिखी गई है। और गीत गोविंद पर जो है विद्यापति का प्रभाव दिखाई देता है। यह 24 प्रबंध यानी कि 12 सर्ग और 32 श्लोक सर्वांग सुंदरी टीका में 77 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन विरह और पुनर्मिलन का कोमल और लालित्यपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? गीत गोविंद के अंदर। 333 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है? जो आदिकालीन साहित्य है उसमें वीर रस की रचनाओं में साथियों किस शैली का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। वो शैली थी डिंगल शैली। आदिकालीन साहित्य में आप सबको पता है जहां जहां पर भी वीर रस की बात हम लोग करेंगे वहां वहां पर क्या आ जाएगा? डिंगल शैली की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे साथियों। तो ठीक है, डिंगल शैली जो है अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर के बनती है, और पिंगल शैली जो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर के बनती है साथियों। अगला प्रश्न आता है 334 नंबर का, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वो राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख पर मिलता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख पर मिलता है। साथियों इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहां पर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये इतने बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट होगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रदाय की रचना सबको पता है पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रप्रदाय की। विशल देवरासो नरपति नाल की। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार रणमल छंद श्रीधर की रचना मानी जाती है, याद रखना। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अगला प्रश्न है 336 नंबर का, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं, याद रखना। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है साथियों। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसे 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की जो भाषा है वह संध्या भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोह करही परम महासुह एकु कणे दुरिह अशेष हरि। उपर्युक्त दोये में महासुह का जो संबंध है
वो किससे रहा है साथियों? तो उपर्युक्त दोहे में जो महासूह का जो संबंध है वो रहा है ABC, यानी कि ए बी और सी। इसमें तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। महासुख महासुख का तत्सम रूप है, महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो साथियों तीनों ही ऑप्शन इसके सही माने जाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 338 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है आप लोगों को। अब देखिए इसमें बहुत सारी पंक्तियां तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। इसका ए ऑप्शन राइट होगा, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाय। तो ये है कणप्पा का। किसका है? कणप्पा। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाय, किसका ग्रंथ है? कणप्पा का। कहा तरोवर पंच बिडाल, किसका ग्रंथ है? लुहिपा का। कड़वा बोल न बोलिस नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, नरपति नाल का। मोरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, किसका ग्रंथ है? खुसरो का। तो साथियों ये पंक्तियां आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, अच्छी पंक्तियां हैं, इनमें से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 339 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो जो है साथियों ये आदिकाल की रचना है और चंद्रबरधाई की रचना है साथियों। तो इसमें बी और ए, बी ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना। 340 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम क्या है? सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। और दोहा कोश जो सिद्ध कवि सरप्पा है वो हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, और जबकि जो पहुमचर्यू है उसके रचनाकार स्वयंभू रहे हैं, और ये कथानक रामायण है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर है, संदेश रासक के अब्दुल रहमान है। साथियों हो जाएगी याद, चीजें याद करो भाई। 341 नंबर का प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, किस नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है साथियों, बताना मुझे। 342 में सिद्ध कवि, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। सबको पता है सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है, जिसमें प्रथम जो सिद्ध माने जाते हैं वह सरप्पा को माना जाता है साथियों। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कड़प्पा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थे, ये अलग ही बात इन्होंने कही है। कौन सी विद्यापति जी की रचना नहीं है? देखो कीर्तिलता कीर्तिपिता का पदावली तो है लेकिन गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। जो गीत गोविंद है वो किसकी रचना है साथियों? जयदेव की रचना है। गीत गोविंद में विद्यापति जी का प्रभाव जरूर देखा जाता है। ठीक है, कीर्तिलता की जो भाषा है साथियों वो कैसी है? अवट भाषा है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों में अवट भाषा है। विद्यापति जी के द्वारा तीन भाषाओं का प्रयोग किया गया था, मैथिली अवट और संस्कृत भाषा। तो कीर्तिलता कीर्तिपता का दोनों अवट भाषा में लिखी गई, और पदावली में जो है मैथिली भाषा में है, बाकी संस्कृत में है साथियों। ठीक है, हो जाएगी यार। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी जो है किस कवि को कहते हैं? वो है विद्यापति जी। तो विद्यापति मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच के स्वर्णिम कड़ी हम विद्यापति जी को कहा जाता है। कीर्तिलता कीर्तिपथक और पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति जी को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल के नाम से भी इनको जाना जाता है साथियों। तो साथियों ये 345 क्वेश्चन हम लोगों ने आदिकाल के किए हैं, ये 345 क्वेश्चन नहीं है साथियों, 3450 क्वेश्चन है। आप एक जीरो और लगा लीजिए इसके साथ, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं साथियों। इसके PDF में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग
नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए और पढ़िए। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बताइए साथियों का कैसा आपको वीडियो लगता है। साथियों मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। अब अगले में जो है हम भक्ति काल को शुरू करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कंटिन्यू बने रहने के लिए। अब भक्ति काल हम शुरू करते हैं। अगले वीडियो जो है भक्ति काल से संबंधित आएंगे साथियों। थैंक यू सभी को।